आदाब, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय के लोग परेशान, कांग्रेस नेता जगदीश शेट्टार। कर्नाटक चुनाव, 18 अप्रैल तक 75 करोड़ कैश और 41 करोड़ की शराब जब्त। कर्नाटक चुनाव से पहले भाजपा को एक और झटका, बीजेपी कलबुर्गी जिला युवा मोर्चा के महासचिव ने दिया इस्तीफा। बेंगलुरु में जल आपूर्ति बोर्ड के खोदे खड्डे में गिरने से 2.5 साल के बच्चे की हुई मौत। बिल्किस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 2 मई को सुनवाई। यूपी के 71 जिलों में फैला कोरोना, दावा पहले से कम हुए मामले। कोरोना वायरस के मामलों में आई कमी, 24 घंटे के भीतर मिले 7633 नए मरीज। उद्धव ठाकरे, गले पड़े उद्धव को कांग्रेस की झोली में बिठा रहे पवार। स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, कॉकपिट में झूठी वार्निंग के बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटे। प्रयागराज, शाइस्ता की तलाश में अशरफ की ससुराल मारियाडीह पहुंची पुलिस। प्रयागराज, अतीक के वकील गली में फेंका गया बम। फिजी में जोरदार भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई तीव्रता। शराब घोटाला, सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई पूरी, 26 अप्रैल को जमानत पर फैसला। एनसीपी में हूँ और यहीं रहूंगा, बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर बोले अजीत पवार। किसी का भाई किसी की जान में कम स्क्रीन स्पेस मिलने पर बोली शहनाज, आगे बहुत स्कोप है। सलमान ने बीच रिहर्सल में बदले गाने के स्टेप्स, देखती रह गई किसी का भाई किसी की जान की टीम। खुद को हाइब्रिड नेपो किट मानती है पलक तिवारी, माँ से तुलना पर बोली ऐसा होना उनका अपमान है। श्रीलंका ने टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर रचा इतिहास, आयरलैंड की शर्मनाक हार। अशरफ के साले सद्दाम पर 25 से बढ़ाकर 50,000 किया गया इनाम, उमेश पाल मर्डर के बाद से है फरार। तेलंगाना के नए सचिवालय का उद्घाटन मुख्यमंत्री केसीआर 30 अप्रैल को कर सकते हैं। नया सचिवालय भवन 26.98 एकड़ में फैला हुआ है। टैक्स चोरी के शक में 8,000 लोगों को आयकर विभाग का नोटिस। कोझिकोड ट्रेन फायर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए को सौंपी जांच। महिला अधिकारी पिटाई मामले पर डीजीपी सुप्रीम कोर्ट से मांगी रिपोर्ट, मचा हड़कंप। केपी एक्सप्रेस में इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।